सबसे पहले आधा किलो लौकी लें और उसे कद्दूकश कर लें। और उसके बाद पानी बॉईल करें और उसमें अच्छी तरह से लौकी को धोकर डाल दें। अब लौकी को बॉईल कर लें। जब लौकी बॉईल हो जाए तो उसे किसी छलनी में डालकर रख दें। हमने यहाँ पर 7 हरी मिर्चें ली हैं। हसबे जायका हम इसमें नमक शामिल करेंगे और हम इसमें पुदीना शामिल करेंगे और हमने लिए हैं 6 जवे लहसुन के और हमने लिया है थोड़ा सा ज़ीरा, तकरीबन 1 टीस्पून के करीब। अब इन तमाम चीज़ों को ग्राइंडर में डालकर ग्राइंड कर लें और चटनी बना लें। अब एक बाउल लें और उसमें लौकी डालें। कोशिश करें कि लौकी का पानी अच्छे से निकल जाए। अब इसमें चटनी ऐड करें। अगर बनाने के बाद आपको कम लगे तो आप और ऐड कर सकते हैं। उसके बाद इसमें आधा किलो दही शामिल करें। इसको अच्छे से मिक्स कर लें। एक प्याज बारीक काट कर इसमें शामिल करें और इसको अच्छे से मिक्स कर लें। उसके बाद पैन में ऑयल गरम करें। जब ये गरम हो जाए तो इसमें कड़ी पत्ता शामिल करें। उसके बाद इसमें थोड़ा सा ज़ीरा शामिल करें और इसमें गोल साबुत लाल मिर्च तकरीबन 5 से 6 शामिल करें और उसके बाद इसमें भंगार दें। उसके बाद इसे अच्छे से मिक्स कर लें और बहुत ही मज़ेदार सा लौकी का रायता तैयार है।